ऋषि की पत्नी और सती अनुसुईया की कथा से अधिकांश धर्मालु परिचित हैं। उनकी पति भक्ति की लोक प्रचलित और पौराणिक कथा है, जिसमें त्रिदेव ने उनकी परीक्षा लेने की सोची और बन गए नन्हे शिशु। आइए इस कथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। एक बार नारद जी विचरण कर रहे थे, तब तीनों देवियां महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ पार्वती को परस्पर विमर्श करते देखा गया। तीनों देवियां अपने सतीत्व और पतिव्रता की चर्चा कर रही थी। नारद जी उनके पास पहुंचे और उन्हें अत्रि महामुनि की पति अनसुईया के असाधारण पतिव्रतिया के बारे में बताया। नारद जी बोले, उनके समान पर पवित्र और पतिव्रता तीनों लोकों में नहीं है। तीनों देवियों को मन में अनसुईया के प्रति ईर्ष्या होने लगी। तीनों देवियों ने सती अनसुईया के पतिव्रत को खंडित करने के लिए अपने पतियों को कहा। तीनों ने बहुत समझाने पर भी वे राजी नहीं हुई। विशेष आग्रह पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सती अनसुईया के सतीत्व और ब्रह्म शक्ति रखने की सोची। जब अत्रि ऋषि आश्रम से बाहर गए थे, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने यतियों का भेष धारण किया और अत्रि ऋषि के आश्रम पहुंचे तथा भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा चलते सती अनसुईया ने त्रिमूर्तियों को उचित रूप से स्वागत कर उनके खाने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन यतियों के भेष में त्रिमूर्तियों ने एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है कि जब तक तुम निर्वस्त्र होकर भोजन परोसोगी तब ही हम भोजन करेंगे। अनसुईया इस असमंजस में पड़ गई कि इससे तो उनके पतिव्रत को खंडित होने का संकट है। उन्होंने मन में ही मन ऋषि अत्रि का स्मरण किया। दिव्य शक्ति से उन्होंने जाना कि है तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। मुस्कुराते हुए माता अनसुईया बोली, जैसी आपकी इच्छा। तीनों यतियों पर जल छिड़क कर उन्हें तीन प्यारे शिशुओं के रूप में बदल दिया। सुंदर शिशु देख कर माता अनसुईया के हृदय में मातृत्व भाव उमड़ पड़ा। शिशुओं को स्तनपान कराया, दूध भात खिलाया, गोद में सुलाया, तीनों गहरी नींद में सो गए। अनसुईया माता ने तीनों को झूले में सुलाकर कहा, तीनों लोगों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए, मेरे भाग्यों को क्या कहा जाए। फिर वह मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफेद बैल आश्रम में पहुंचा। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम पर उड़ने लगा और एक राजहंस की चोंच में लिए हुए आया और आकर द्वार पर उतर गया। यह नजारा देख नारद, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती आ पहुंचे। नारद जी विनयपूर्वक अनसुईया से कहा, माते, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर यह तीनों देवियां यहाँ पर आ गई हैं। यह अपने पतियों को ढूंढ रही थी, इनके पतियों को कृपया इन्हें सौंप दीजिए। अनसुईया ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, झूलों में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो इन्हें आप ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो एक समान लगने वाले तीनों शिशु गहरी निद्रा में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती भ्रमित होने लगी। नारद ने उनकी स्थिति जानकर उनसे पूछा, क्या आप अपने पति को पहचान सकती हैं? जल्दी से अपने अपने पति को गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी जल्दी में एक एक शिशु को उठा लिया। वे शिशु एक साथ त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हो गए। उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती ने शिव जी को, लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा जी को और पार्वती जी ने विष्णु को उठा लिया। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जा खड़ी हो गई। तीनों देवियों ने माता अनसुईया से क्षमा याचना की और यह सच भी बताया कि उन्होंने ही परीक्षा के लिए अपने पतियों को बाध्य किया था। फिर प्रार्थना की कि उन्हें उनके पति को पुनः स्वरूप रूप में ले आए। माता अनसुईया ने त्रिदेवों को उनका रूप प्रदान किया। तीनों देव सती अनसुईया से प्रसन्न हो बोले, देवी, वरदान मांगो। त्रिदेवी की बात सुन माता अनसुईया बोली, प्रभु, आप तीनों मेरी कोख से जन्म ले, यह वरदान चाहिए, अन्यथा वरदान नहीं चाहिए। तभी से वह माता अनसुईया के नाम से प्रख्यात हुई तथा कालांतर में भगवान दत्तात्रेय रूप में भगवान विष्णु, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा तथा दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का जन्म माता अनसुईया के गर्भ से हुआ। मतांतर से ब्रह्मा के अंश से चंद्र, विष्णु के अंश से दत्त तथा शिव के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ। दोस्तों, कहा जाता है कि दत्तात्रेय भगवान तीनों देवों का एक मिश्रण रूप थे। भगवान विष्णु प्रथम में ब्रह्मा जी और अंत में भगवान शिव से थे। माता अनसुईया पूरे ब्रह्मांड की माता हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।